हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ लो बैंक रोल, यानी कि स्मॉल बजट, जो आपको ओनली 70 रुपीज़ का बेट होगा और 4 कॉर्नर 1 कुलम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको बेट लगा के दिखाता हूँ मैं, यानी कि मेरा थर्ड कुलम में रहेगा 30 रुपीज़ और उसके बाद मेरा 4 कॉर्नर रहेगा, ठीक है, 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। टोटल मेरा 4 कॉर्नर हो चुका है और 1 कुलम हुआ है। अगर यहाँ पर लॉस का बात करें, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35 एंड 0, ये नंबर हमारा लॉस है। और एवरी स्पिन मेरे को 20 रुपीज प्रॉफिट होगा। नंबर वन आने के बाद 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो देख सकते हो फाइनली मेरा प्रॉफिट हुआ। अगेन मैं इसको रिबेट करूंगा। थर्ड कुलम में आने के बाद अगेन मेरे को हिट हुआ है एंड प्रॉफिट भी बोल सकते हो 20 रुपीज का। थर्ड डजन में जो फर्स्ट एंड सेकेंड कुलम में हिट होगा तो लॉस होगा, नहीं तो प्रॉफिट होने वाला है थर्ड कुलम में। तो ओके, अगेन हम लोग करेंगे 3 स्पिन, रेगुलर प्रॉफिट हुआ है हमारा। नंबर 22 तो अगेन प्रॉफिट हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड डजन पूरा का पूरा कवर हुआ है। ओके, नंबर 3 अगेन प्रॉफिट, रिबेट एंड स्पिन। लॉस होने के बाद आपको डबल करना पड़ेगा, जो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर बोलते ही मेरा लॉस हो चुका है, तो कोई बात नहीं, 70 रुपीज का लॉस हुआ है, इसको रिबेट करेंगे, डबल करेंगे। ओके, डबल करेंगे, रिबेट करेंगे। ओके, नंबर 35 आने के बाद अगेन लॉस। तो जब भी हम लोग लॉस होगा डबल करेंगे, क्योंकि डबल करने से हमारा रिकवर जल्दी होगा। अगर रेगुलर 3 स्पिन हिट होगा तो हमारा रिकवर हो जाएगा। ओके, नंबर 11 हिट होने के बाद थोड़ा कुछ 80 रुपीज का रिकवर हुआ है, अगेन रिबेट। रेगुलर 3 स्पिन हिट होना चाहिए तभी तो हमारा रिकवर होगा। तो अभी 2 स्पिन हिट हुआ है तो इसमें रिकवर देखने को नहीं मिलेगा, तो अगेन रिबेट। तो यहाँ पर लॉस देखने को मिला है 280 रुपीज का, अगेन इसको डबल करूंगा फिर से। लास्ट स्पिन बचा था रिकवर होने में तो लॉस हो गया, तो कोई बात नहीं, 160 का रिकवर, रिबेट। ओके, नंबर 17 हिट होने के बाद अगेन प्रॉफिट, तो यहाँ पर देख सकते हो ओनली 10 रुपीज का लॉस है। तो 10 रुपीज के लिए हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। 30 रुपीज थर्ड कुलम में और कॉर्नर में लगाएंगे 10-10 रुपीज करके। जो हमारा 10 रुपीज का लॉस है वो तो हम लोग को अगर हिट होगा तो रिकवर हो जाएगा। तो अगेन देख सकते हो रिकवर होने के बाद फिर से प्रॉफिट हो चुका है, तो रिकवर भी हो चुका है और 10 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हुआ है। अगर रिपीट करके खेला होता तो भी प्रॉफिट होता, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क होता था ना, हम लोग को पता नहीं था कि ये आएगा बोल के। तो अच्छा हुआ कि हमारा रिकवर हो चुका है, रिस्क कम रहा, 130 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ओके, नंबर 23 आने के बाद अगेन प्रॉफिट, ओनली 20 करके 150 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है अभी तक। नंबर 19 अगेन प्रॉफिट मेरे को 20 रुपीज़ का, तो यहाँ पर देख सकते हो 170 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। नंबर 13 अगेन प्रॉफिट 20 रुपीज, तो मैं करूँगा रिबेट। ओह माय गॉड, 35 अगेन लॉस हुआ है, 190 रुपीज़ का प्रॉफिट है यहाँ पर देख सकते हो, 70 रुपीज़ का लॉस हो चुका है।
तो इसको रिबेट करके डबल करेंगे ताकि हमारा रिकवर करने के लिए थोड़ा कुछ टाइम मिल सके, यानी कि ज़्यादा टाइम ना लगे, थोड़ी टाइम में हमारा रिकवर हो जाए, तो इसलिए मैंने डबल किया हूँ। ओके, 70 का लॉस हुआ था, 40 रुपीज़ रिकवर। अगर एक बार लॉस होता है तो दो स्पिन में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, 40 रुपीज़ करके 80 रुपीज़ हो जाएगा, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है, 80 रुपीज़ का लॉस हुआ, सॉरी 70 का लॉस हुआ था, 80 रुपीज़ मिल चुका है, तो यहाँ पर 200 का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अगेन हम लोग रिकवर होने के बाद लगाएंगे सेम बेट जो हमारा फर्स्ट बेट 70 है, स्मॉल बैंक रोल से गेम प्ले किया है, तो देख लेना कितना मेरा प्रॉफिट में जाएगा। ओके, अगेन मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं इसको करूंगा रिबेट, 220 रुपीज का प्रॉफिट है, नंबर 20, अगेन मेरे को प्रॉफिट मिला है 20 रुपीज का, इसको करूंगा मैं फिर से अगेन रिबेट, 11 आने के बाद अगेन प्रॉफिट, तो यहाँ पर मेरे को मिला है अगेन 20 रुपीज का प्रॉफिट ज्यादा, तो रिबेट, नंबर 10, अगेन मेरे को फर्स्ट डजन में रिटर्न के बाद प्रॉफिट, फर्स्ट एंड सेकंड डजन में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लॉस नंबर हमारा 0 और थर्ड डजन का फर्स्ट एंड सेकंड को लो, तो यहाँ पर अगेन मेरे को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट, रिबेट, नंबर 3, तो 3 आने के बाद अगेन मेरे को प्रॉफिट मिला है 20 रुपीज, स्मॉल बेट है और स्मॉल प्रॉफिट, तो हमारा देख सकते स्मॉल प्रॉफिट से ही 320, यानी कि अभी फिर से 20 होने के बाद 340 रुपीज का प्रॉफिट मिल चुका है, तो यहाँ पर देख सकते 340 रुपीज का प्रॉफिट है मेरा। नंबर 1, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ अगेन 20 रुपीज का, करूंगा मैं रिपीट, ओके 15 आने के बाद अगेन प्रॉफिट मिला है, तो इसको मैं 20 रुपीज को प्रॉफिट मानूंगा, तो रिबेट करूंगा अगेन, तो अभी अगर एक स्पिन हिट हो जाएगा तो हमारा 400 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो देख सकते हो 400 प्रॉफिट हो चुका है, तो कुछ ही टाइम में मेरे 400 का प्रॉफिट हो चुका है, रिबेट करूंगा, ओके यहाँ पर लॉस देखने को मिला है 35 में, तो इसको रिकवर करने के लिए हम करेंगे डबल, ओके एक बार हिट हुआ है, अब लास्ट एक बार हिट होगा तो रिकवर हो जाएगा, उसके लिए हम लोग करेंगे रिबेट, नंबर 2, तो यहाँ पर देख तो रिकवर हो चुका है और प्लस 10 रुपीज प्रॉफिट देखने को मिला है, तो हम लोग फिर से अगेन 70 रुपीज का बेट स्टार्ट करेंगे, ज्यादा लग चुका है, ओके कोई बात नहीं, दूसरा बार कम करेंगे, तो 28 आने के बाद लॉस हुआ है, तो लॉस होने के बाद हमारा इसमें 70 रुपीज का लॉस, 80 रुपीज बोल सकते हो, ठीक है इसको डबल करेंगे, 80 रुपीज का लॉस था तो उसको छोड़ देंगे। नंबर 30, तो एक बार हिट हुआ है 40 रुपीज, अगर दो बार हिट होगा तो भी हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, 80 रुपीज का लॉस हुआ था, 80 रुपीज रिकवर हो जाएगा। ओके, नंबर 3 आने के बाद अगेन प्रॉफिट हुआ है, तो अगेन हम लोग रिकवर होने के बाद फिर से रिबेट करके नहीं खेलेंगे, उसको हम लोग बेट को कम करेंगे, 70 रुपीज का स्टार्ट करेंगे फिर से अगेन। नंबर 1, तो यहाँ पर अगेन प्रॉफिट हुआ है, तो इसको करूंगा रिबेट, नंबर 2, यहाँ पर देख सकते हो मेरा 450 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है, फाइनली 450 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है, रिबेट करूंगा फिर से। थर्टी फोर आने के बाद मेरे को लॉस देखने को मिला है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसको करेंगे हम लोग डबल,
ओवर हीट होगा तो हमारे को प्रॉफिट देखने को मिलेगा 10 रुपीज, लेकिन यहाँ पर अगेन मेरे को लॉस देखने को मिला है 380 रुपीज, नहीं सॉरी 140 रुपीज। तो मैंने फिर से डबल कर दिया हूँ, अब मेरे को 30 नंबर आने के बाद हीट हुआ है तो 80 रुपीज का हीट हुआ, रिबेट करूँगा। नंबर 3 अगेन हिट होने के बाद अगेन प्रॉफिट, तो यहाँ पर देख सकते हो 400, अब हमारा को कितना 10 रुपीज़ ही लॉस है, तो 10 रुपीज़ के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगेन हम लोग करेंगे 10 रुपीज़ से स्टार्ट फिर से, और उसमें लगाएंगे 30 रुपीज़, 1 2 3, ओनली 10 रुपीज़ के लिए आपको रुकना नहीं है, रिपीट करके नहीं खेलना है, उसमें रिस्क होता है। तो देख सकते हो फाइनली मेरा रिकवर हो चुका है, तो 420 रुपीज़, 30 रुपीज़ था ना मेरा, तो कोई बात नहीं, 10 रुपीज़ से ही खेलेंगे, उतना रिस्क तो नहीं रहेगा हमारा। तो 10 आने के बाद फाइनली रिकवर हो चुका है, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो चुका है, तो हमारा देख सकते हो 30 था 40 हो चुका है। ओके नंबर 2 यहाँ पर 60 हो चुका है, चलो 500 का 500 कर लेते पहले इसको, 60 हो चुका है, तो अभी हमारे को ओनली 2 स्पिन चाहिए, एक हिट हो चुका है, तो अब लास्ट स्पिन बचा है, अगर ये स्पिन हिट होगा तो हम रुक जाएंगे। ओके 29, लेकिन हमारे को रुकने को नहीं दिया, खेलने को बोल रहा है, तो चलो खेल लेते हैं, डबल करेंगे। 480 पहुंचा था, अब लाइन आने के बाद ओके, तो हमको करना पड़ेगा रिबेट, अगर ये हिट होगा 10 रुपीज होगा, तो फिर से एक स्पिन और खेलना पड़ेगा हमारे को, तो देखेंगे। नंबर 5 देख सकते हो अभी हमारा क्या हुआ है, ओनली 90 तक पहुंचा है, तो हम लोग एक स्पिन और खेलना पड़ेगा। नहीं 20 रुपीज का बेट लगा देते, 500 पहुंच जाएगा, तो पहुंच गया, तो देख सकते हो 500 एक्स्ट्रा हो चुका है, यानी कि 510 रुपीज। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।